एक आदमी है 10वें माले पे और एक आदमी है ग्राउंड फ्लोर पे और एक और आदमी है बेसमेंट में। अब टेक्निकली हो क्या रहा है, जो 10वें माले पे आदमी है वो अगर 10वें माले की सोच से रहेगा तो वो 10वें पे रहेगा, और 10वें माले की सोच से अगर बात करेगा तो ग्राउंड फ्लोर के आदमी तक वाइब्रेशन पहुंचा के उसको ऊपर लेके आ सकता है। ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल है, ग्रेटिट्यूड से कनेक्ट कर रहा हूं। मेरे एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, प्रैक्टिकल वाले। एक आदमी 10th फ्लोर पे है, एक आदमी ग्राउंड फ्लोर पे है। अब या तो ये यहां पर इस लेवल पे आके बात करे और या फिर ये यहीं पे इसी लेवल पे रह के बात करे और इस आदमी को इस लेवल पे आना पड़े। कौन सा ज्यादा बेटर है, कि ये नीचे वाला आदमी ऊपर आ जाए या ऊपर वाला आदमी नीचे चले जाए? ज्यादा बेटर है कि ये इंसान इसी इंसान को ऊपर ले आए। ग्रेटिट्यूड ऐसे ही काम करता है। जब आप किसी को दिल से थैंक्स बोलते हैं तो वो जो इंसान अभी नीचे वाले माले पे था वो ऊपर आना शुरू हो जाता है और आप वहीं बने रहते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा भी है जिसने आपकी जिंदगी में कुछ गलत काम किए हैं तो आपको दिल से हाथ जोड़ के उनको भी थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको जिंदगी का एक लेसन सिखाया है। वो इंसान ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, वो इंसान है बेसमेंट में, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ काम कर रहा है आपके साथ। तो क्या आप भी नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ काम करोगे उसके साथ? अगर आप भी नेगेटिव वाइब्रेशन से उसके साथ काम करेंगे तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन आप उसके लिए नहीं डाल रहे हैं यूनिवर्स में, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप अपने लिए डाल रहे हैं। कुछ टाइम के बाद आप 8th फ्लोर पे आ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। कुछ टाइम के बाद आप 6th फ्लोर पे आ जाओगे और कुछ समय के बाद आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होंगे और वो आदमी यहां पे होगा और आप यहां पे होंगे। वो इंसान आपके परिवार का भी हो सकता है। आपके और उनके बीच में इतना डिफरेंस था, वो ऊपर नहीं आया, आप नीचे आ गए और एक दिन आप उसी के लेवल पे जाके बात करोगे और बहुत सारे मजेदार बिना टिकट की मूवी आपके घर में आपके बच्चे देखेंगे। बिना टिकट दिए मूवी, isn't it? बट अगर मेरा माला 10वां है और उसका माला ग्राउंड फ्लोर, तो अगर मैं यहां से वाइब्रेशंस डालता रहूंगा या डालती रहूंगी तो एक दिन वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा और वो यहां पर आ जाएगा।